जय हिंद। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी का जो पेपर हुआ है आज की डेट में 13/12/2017 में फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, उसी क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मांडू के निकट कौन सा हवाई अड्डा स्थित है। तो मांडू के निकट एक तो दोस्तों ऑप्शन जो था वो था इंदौर, दूसरा था देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन राइट होगा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का व्यापारिक विभाग कहाँ है। तो मध्य प्रदेश का व्यापारिक विभाग है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन से क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास आशीष नेहरा ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास का संबंध किस जिले से है। तो कालिदास का संबंध उज्जैन जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माधवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। तो माधवगढ़ का किला मांडू धार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव कब हुए थे। तो मध्य प्रदेश में पहली बार चुनाव हुए थे 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फुटबॉल प्रीमियम लीग 2000 कौन सी सिटी ने जीता। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम उसको मिल नहीं पाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि फुटबॉल प्रीमियम लीग 2016 कौन सी सिटी ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन के चेयरमैन कौन है। तो NIA नेशनल के चेयरमैन जो हैं वो हैं YC मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का नाम है गौरी शंकर बिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमरिया में कौन सा नेशनल पार्क है। तो उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और दामोदर नदी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसान स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किससे है। किसान स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किससे है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल नहीं पाए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, प्लीज मुझे माफ करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनरेगा योजना के तहत मजदूरी कितने दिनों में मिलती है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में न्यू पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि IP का फुल फॉर्म क्या है, ये बताना है आपको। तो IP का जहां तक मेरे हिसाब से इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली 2017 के लिए भारत में कहां पर आतिशबाजी को प्रतिबंधित कर दिया था। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली 2017 में दिल्ली में आतिशबाजी को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास का संबंध किस जिले से है, ये मैं रिपीट कर चुका हूं, तो उज्जैन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया। तो राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर चंदेल वंश शासकों ने शासन किया था। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, ये कब बना। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है, ये सन 1968 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जुलाई 2016 में किस राज्य सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की। तो जुलाई 2016 में हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक हैं YC मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक न्याय विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो सामाजिक न्याय विश्व दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विमुद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया जो एप्स था वो कौन सा था। तो विमुद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया एप्स था भीम एप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में कितना भत्ता मिलता है, तो स्वर्ण जयंती रोजगार में जितना भी भत्ता मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, बालाघाट जिले में कोटेश्वर मंदिर कहाँ है, तो बालाघाट जिले में कोटेश्वर मंदिर है लांजी टाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्य केंद्र कहाँ है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बताना है, उसका आंसर देना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म को सत्यजीत राय ने बच्चों के लिए बनाया था, तो सत्यजीत राय ने बच्चों की जो फिल्म बनाई थी सोनार किला 1974 में ये फिल्म बनी थी, 1974 में सोनार किला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नर्मदा नदी व सोन नदी में क्या समानता है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा की सबसे पहले कौन सा राज्य ने लागू किया, मनरेगा को सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू किया, ये बताना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु आय कृषि व समग्र आय का कितना प्रतिशत है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुदूर क्षेत्र के कल्याण के लिए योजना से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया कि एक्सेल में नई वर्कशीट के लिए क्या है, तो एक्सेल में नई वर्कशीट के लिए है Ctrl+N। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार दो बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से स्थायी मेमोरी कौन सी है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल और इंटरनेट में विषय कहां से पता चलता है, ये बताना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ईमेल और इंटरनेट में क्या संबंधित है, ये बताना है आपको। संधि कितने प्रकार की होती हैं, ये बताना है आपको कि संधि कितने प्रकार की, तो मेरे ख्याल में संधि तीन प्रकार की थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताज्ञा में कौन सी संधि है, ये बताना है आपको। पितृधन आज्ञा इस संधि की होगी, पितृधन आज्ञा, संधि विच्छेद का तोड़ेंगे इसको तो पितृधन आज्ञा होगा इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अलंकार से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम में कौन सा समास है, ये बताना है आपको। तो घनश्याम में जो समास होगा वो होगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताराम का समास विग्रह क्या होगा, ये बताना है आपको। करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया था हिंदी में, तो दोस्तों हिंदी में इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चुनाव पंचायत चुनाव राजनीति दल के आधार पर होने चाहिए, ये सुझाव किस समिति ने दिया, तो पंचायत चुनाव राजनीति दल के आधार पर होने चाहिए ये सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झातला ग्राम न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन मैथ के मुझको मिले हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि उनका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष है P. Thambudurai जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलती हुई मोमबत्ती पर गिलास से ढक देने से क्यों बुझ जाती है, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन की कमी के कारण ये मोमबत्ती जलती हुई गिलास में ढक देने से ये बुझ जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि रेडियम की खोज किसने की, तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो बिहू नृत्य असम का भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 10,000 का मान क्या होगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यदि समभुज का प्रत्येक अंत कोण
135 डिग्री है। यदि समष्टभुज का प्रत्येक अंधकोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का ब्रह्म कोण क्या होगा, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक कुर्सी को ₹720 में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा ये बताना है आपको मेरे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पर डिस्कस कर दिए और सारे आपके सामने शेयर कर दिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकॉन पर क्लिक करने से होगा ये कि जो मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।